बैक टू माई चैनल पूजाज अदा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का वीडियो होने वाला है मंत्रा हॉल एंड मंत्रा से मैंने कुछ कपड़े बाय किए हैं जिनके रिव्यूज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, चार पीसेस हैं, हाँ चार कपड़े हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो अगर आप वीडियो आपको पसंद आती है सो आप इसे बहुत सारा लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरे न्यू वीडियो के अपडेट्स हैं आपको मिल पाए। मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं रील्स वीडियो बनाती हूँ। एंड तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं एंड हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा तो पहले क्योंकि मेरे घर के साइड में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ड्रिलिंग का तो इसका तो उसका बहुत आवाज़ आता है एंड बचे खुचे आवाज़ जो हैं कभी गाड़ी के कभी कुछ, मतलब जैसे अभी आप एक आवाज़ सुन रहे हैं पता नहीं किसकी गाड़ी का है क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्बेंस होता है ना, मैं टाइम मैनेज ही नहीं कर पाती हूँ। इवान जब सोया है तब मुझे वो टाइम मिलता है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ एंड उस टाइम पे ऐसा होता है कि इवान तो तंग नहीं कर रहा है लेकिन उसके अलावा इतने ज़्यादा साउंड्स होते हैं। सो प्लीज़ वो सबको इग्नोर करिएगा एंड आप वीडियो में कॉन्सेंट्रेट करिएगा एंड सो सॉरी फॉर दैट। मतलब मेरे हाथ पे नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, तो मुझे बनाना ही है वीडियो। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं एंड हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला ड्रेस है वो है एक पिंक कलर का ड्रेस जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक कलर का ये ड्रेस है जिसमें वाइट फ्लावर प्रिंट्स किए हैं एंड ये है ब्रांड बेरी लश एंड इसमें मैंने जो साइज़ ऑर्डर किया है दैट इज़ मीडियम। सो बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस है ये एंड इसका जो फैब्रिक है दैट इज़ पॉलिएस्टर फैब्रिक एंड ये कुछ इस तरीके का ए लाइन ड्रेस है एंड इसका जो नेक है सामने से आपको इस तरीके का मिल जाता है, ऐसा इस टाइप का आपको नेक मिलता है एंड जो शोल्डर है वहाँ पे आपको इलास्टिक दी हुई है एंड जो इसके स्लीव्स है आपको बलून स्लीव्स मिल जाते हैं, स्लीव्स के एंड में भी इलास्टिक दिया हुआ है। सो ये है आपका फ्रंट का नेक एंड यहाँ पे आपको ऐसे ना डोरी भी दी हुई है। ये जो डोरी है ये आपका सिर्फ एक शो के लिए दिया हुआ है, लाइक आप इसे फिटिंग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ शो के लिए इस तरीके की डोरी दी हुई है। ये बैक से ओपन होता है, बैक में यहाँ पे जिप दिया हुआ है ताकि आप इजीली वेयर कर सकें। ये थोड़ा सा बॉडी फिट है ड्रेस तो विदाउट जिप इसे वेयर करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, सिर्फ बैक में जिप मिल जाता है एंड बाकी पूरा ये ए लाइन ड्रेस आता है एंड नीचे की तरफ बॉटम में इस तरीके का फ्रिल पैटर्न दिया हुआ है। बहुत अच्छा है, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का ये ड्रेस है एंड सामने का जो इसका नेक है ना वो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा क्रश क्रश अंदर मतलब इलास्टिक दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ना सल वाला पैटर्न है। वो आपको ट्राई ऑन में दिखेगा कि जो फ्रंट का जो नेक का पैटर्न है वो किस तरीके से डिटेलिंग दी हुई है। बाकी ओवरऑल ड्रेस की क्वालिटी, जो फैब्रिक की क्वालिटी है बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। हाँ बट इसके अंदर कोई भी लाइनिंग नहीं दिया हुआ है बट ये ऐसे सी थ्रू भी नहीं है, कपड़ा मोटा है तो ऐसा उतना ज़्यादा इसमें लाइनिंग की ज़रूरत भी नहीं है। सो ये इसमें मैंने मीडियम साइज़ ऑर्डर किया है एंड बाकी ओवरऑल पहनने से कैसा दिखता है ये ड्रेस आपको ट्राई ऑन में साथ ही साथ देखने को मिलेगा एंड जो भी ड्रेसेस हैं सबके प्राइजेस एंड बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेंशन कर दूंगी, आप लोग को अगर बाय करना है तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये है मेरा पहला ड्रेस। एक और चीज़, जब भी आप ड्रेस बाय करें, मैं एक्चुअली मैं खुद भी ये चीज़ पहले नोटिस नहीं करती थी बट इस बार मैंने वो चीज़ ध्यान में रख के बाय किया है क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ, तो कुछ ड्रेसेस ऐसे थे कि जो मुझे पसंद आ रहे हैं बट वो मुझे दिख रहा था कि यार हाइट मतलब शॉर्ट है, लेंथ वाइज शॉर्ट है जो मैं नहीं पहनूंगी। बट फिर मैंने ध्यान दिया कि उसमें स्पेशली अगर आप मिंत्रा से बाय करते हैं सो मिंत्रा में हर एक कपड़ा जो मतलब जो मॉडल ने पहना हुआ है, जो साइज़ उसने वेयर किया है और मॉडल की जो हाइट है वो सब कुछ मेंशन रहता है। तो जैसे मैंने जब वो चीज़ देखा तो ये वाला ड्रेस भी आई गेस नी लेंथ था, मॉडल को नी लेंथ दिख रहा था, तो मॉडल जिसने वेयर किया है उसकी हाइट उसमें दिखाई है 5'7", तो मेरी हाइट है 5'3", तो उसके हिसाब से 4 इंच मतलब ये ऑलरेडी मेरे में 4 इंच लंबा ही आएगा। अगर वो मॉडल के हाइट के हिसाब से अगर उसका नी लेंथ आ रहा है तो मेरा ये नी से 4 इंच नीचे आएगा, तो मैंने वो ध्यान में रख के इस बार ड्रेस बाय किया है ताकि कोई शॉर्ट ड्रेस भी है और मुझे अगर पसंद आ रहा है तो मैंने मॉडल की हाइट देखी है एंड देन फिर मेरे हाइट के हिसाब से मैंने वो सोच के वैसा मंगाया है, तो
उसके हिसाब से मुझे ये मेरा जो डिज़ायर लेंथ मुझे जैसे चाहिए था वैसा मुझे आ गया है. सो या ये है मेरा फर्स्ट ड्रेस. मूविंग ऑन टू द सेकेंड ड्रेस जो कि है एक प्योर कॉटन फैब्रिक में एंड इस तरीके का ब्लू प्रिंटेड ड्रेस है. और ये वाला ड्रेस मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आया है. ये है ब्रांड माबिश बाय सोनल जैन. आप देख सकते हैं इतना ज़्यादा मुझे ये ड्रेस पसंद आया है, पहनने से बहुत प्यारा लग रहा है. और ये है कुछ इस तरीके का फुल प्रिंटेड ड्रेस, प्योर कॉटन इसका फैब्रिक है. एंड ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक पैटर्न में ये ड्रेस आता है. तो ऊपर से आपको थोड़ा ए लाइन दिया हुआ है एंड नीचे ऐसा चौड़ा सा आपको फ्रिल पैटर्न इसमें मिल जाता है. इसका जो टॉप एरिया है वहाँ पे ये आपको इस तरीके का बैंड दिया हुआ है, ठीक है. एंड जो फ्रंट है यहाँ पे ऐसे पोटली बटन्स लगे हुए हैं. सो जो बटन्स हैं वो फंक्शनेबल नहीं हैं, जस्ट शो के लिए पोटली बटन्स लगे हैं. एंड इसमें साइड में जिप दी हुई है ताकि आप इजीली से वेयर कर सकें. सो ये आता है इसका नेक का पैटर्न एंड ये इस तरीके से क्रॉस बैंड इसमें जस्ट दिया हुआ है. इसमें कोई भी स्लीव्स नहीं है, ये स्लीवलेस ड्रेस है. ये है इसका बैक. सो बैक ये कुछ इस तरीके का आता है. बट हाँ, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था. हालांकि मैं ऐसे स्लीव्स वाले या विदाउट स्लीव्स, एज इन की बैकलेस काइंड ऑफ अ ड्रेस नहीं वेयर करती हूँ. तो इसे मैंने एक वाइट टॉप के साथ वेयर किया था, लाइक नॉर्मल बेसिक टी शर्ट के साथ मैंने इसे वेयर किया था, जिससे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो अगर आप भी स्लीवलेस या बैकलेस ड्रेसेस नहीं वेयर करते हैं तो आप उसमें ना कोई कॉन्ट्रास्ट उसके साथ टॉप के साथ उसको वेयर कर सकते हैं. सो ये वाला जो ड्रेस है, अगर इसे आप वाइट टॉप के साथ प्लस वाइट स्नीकर के साथ वेयर करेंगे सो बहुत ही सुपर लगेगा. और पहनने से ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लग रहा है. आप ट्राई ऑन में देख रहे होंगे कि इसका लुक कैसा आया है एंड मैंने जैसे टी शर्ट के साथ वेयर किया है सो उसमें कैसा दिख रहा है. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. एक ही चीज़ कि इसमें भी जो मैंने बाय किया है दैट इज़ मीडियम साइज़, बट ओवरऑल फिटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी. लेकिन ये जो क्रॉस जहाँ से जो बैंड दिया हुआ है ना, वो पीछे की तरफ मेरा थोड़ा सा ऐसा खिंचाव आ रहा है, तो जिसकी वजह से ये जो नेक है, ये नेक थोड़ा सा ऐसा लूज़ हो जा रहा है. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे एक्सचेंज करा लूँगी और इसमें मैं एक साइज़ लार्ज, मतलब ये मैंने मीडियम बाय किया, मैं इसमें लार्ज बाय करके देखूँगी तो वो ठीक आएगा. एंड थोड़ा सा जो आई नो वो थोड़ा सा लूज़ होगा बट वो ऑल्ट्रेशन में आ जाएगा, बिकॉज इसमें क्या है, आप इसको मैं लूज़ नहीं कर सकती. तो जो बैक का नेक है वो ऐसा सल आ जा रहा है, तो वो लुक अच्छा नहीं आ रहा है. तो इसलिए मे बी मैं इसे एक्सचेंज करा के इसमें मैं लार्ज साइज़ बाय करूँगी, क्योंकि कपड़ा बहुत अच्छा है, प्रिंट बहुत खूबसूरत है, ड्रेस बहुत प्यारी है, पहनने से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है. एंड इसमें भी अंदर कोई लाइनिंग नहीं दी हुई है, बट ये भी काफ़ी मोटा कपड़ा है सो बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है. क्वालिटी इज सुपर्ब. सो दिस इज़ माई सेकेंड ड्रेस. मूविंग ऑन टू द थर्ड वन. तो थर्ड एक मैंने सॉलिड टी शर्ट मंगाया है, येल्लो कलर का, ब्यूटिफुल येल्लो कलर का टी शर्ट है. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. प्योर कॉटन इसका फैब्रिक है, बहुत कंफर्टेबल एंड बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है इसका. सो ये कुछ इस तरीके का हाफ स्लीव्स का टी शर्ट है एंड सामने से जो इसका नेक है ऐसा आपको वी नेक मिल जाता है एंड नॉर्मल सा एक बेसिक टी शर्ट है. मुझे लाइक बेसिक टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वो बहुत ईजी होते हैं वेयर करने के लिए, कैरी करने के लिए, तो और समर्स में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं. तो इसलिए मैंने बाय किया है. एंड यू वोंट बिलीव जो प्राइस मैंने पे किया है, ये टॉप मुझे पड़ा है 190 रुपीज़ का. सो 190 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एंड खूबसूरत एज इन की बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल एंड सुपर वाला टी शर्ट है ये. ये है ब्रांड मास्ट एंड हार्बर ब्रांड से एंड इसमें भी मैंने स्मॉल साइज बाय किया है. सो दिस इज़ द येल्लो टॉप. नाउ मूविंग ऑन टू माय लास्ट ड्रेस जो कि कुछ इस तरीके का ड्रेस है. आई डोंट नो, ओके, ये कुछ इस तरीके का है ना, एग्जैक्टली ब्लू नहीं है और एग्जैक्टली आपका ग्रे भी नहीं है. सीमेंट का जैसा कलर होता है ना, थोड़ा उस टाइप का कलर है ये एंड पेस्टल कलर में है. जो इसका फैब्रिक है दैट इज़ पॉलिएस्टर फैब्रिक एंड दिस ड्रेस इज़ ऑल्सो लाइक रियली ब्यूटिफुल. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. सॉरी, मेरी हाइट के हिसाब से ये जो ड्रेस है वो एंकल लेंथ है. लाइक मेरी हाइट 5'3" है तो मुझे ये एंकल लेंथ में आया है एंड जो जिनकी हाइट ज़्यादा है तो उनको ये शायद नीचे थोड़ा नीचे वैसा आएगा. बट ड्रेस बहुत
बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो ये इस तरीके का है, पूरे ड्रेस में ना वाइट एंड लाइट पिंक रेड टाइप के फ्लावर प्रिंट्स किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एंड ये इस तरीके का कुछ टाइट ड्रेस है ऊपर से, एंड देन ऐसा। सो ये टाइट पैटर्न इसमें दिया हुआ है। इसका जो फ्रंट है यहाँ पे भी आपको ऐसे बटन्स दिए हुए हैं, बट अगेन ये फंक्शनेबल नहीं है, जस्ट फॉर द शो। एंड इसका जो नेक है वो कॉलर नेक आता है, एंड सामने में आपको बैंड दिया हुआ है जो कि इस तरीके का टाई हो जाएगा। सो ये जो नेक है आपको थोड़ा सा नेक आके यहाँ पे आपका टाई हो जाएगा, नेक का पैटर्न कुछ इस तरीके का आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ ऐसा, ठीक है। एंड देन ये वाला जो नेक है वो आपको वी दिया हुआ है। अगेन इसकी भी जो स्लीव्स है यहाँ पे बलून स्लीव्स दी हुई है, इस तरीके का यहाँ पे इलास्टिक दिया हुआ है दो तीन स्टिच करके, जिससे स्लीव्स काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है पहनने से। एंड ये है पूरी ड्रेस, इसमें भी साइड में आपको जिप दिया हुआ है ताकि आपको पहनने में ईजी हो। एंड क्योंकि ये ड्रेस बहुत पतली है, सी थ्रू है, तो इसके साथ आपको अंदर स्लीव्स भी मिले हुए हैं जो कि सेम कलर का है, लाइक्रा फैब्रिक का आपको स्लीव्स मिला हुआ है। तो आप ये भी देख सकते हैं, जिसकी वजह से जो ड्रेस है वो बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं होगा, एंड काफ़ी अच्छा लुक आया है ड्रेस का। सो ये वाला जो ड्रेस है मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद आया। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि वो सच में बहुत पसंद आते हैं, लाइक ओवरऑल ही पसंद आते हैं आपको, उसका फैब्रिक कलर फिटिंग सब कुछ पसंद आता है। तो ये ड्रेस एंड दैट ब्लू वन वो कुछ ऐसा ड्रेस है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो ये है मेरा लास्ट ड्रेस जो कि मैंने मिंत्रा से बाय किया है। बाकी जो चारों कपड़े हैं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, प्राइजेस साथ ही साथ मैंने मेंशन कर दिए हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो या ये था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो मेक श्योर इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अब मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी आपसे न्यू वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, शो ऑल योर लव एंड सपोर्ट, बाय।